हेलो, कंटिन्यू करते हैं। हो चल जा। हमारे यहाँ तो को क्या था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये आती है, इसको हम पढ़ते हैं जरा। ठीक है, कितना है ये हमारा? अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा ही है। कॉजेज राइज ऑफ फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजन थे, क्यों ये दुनिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म नाम के रीजन आए? क्या रीजन है, किस तरह से ये रीजन ऑरिजिन हुए, इन रीजन्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई और क्यों हुई? बेसिकली कैसे हुई तो बताएंगे नहीं, मेरे ख्याल से कि हेडिंग है कि कॉजेज, तो बताएंगे क्यों हुए, क्यों है ना, रीजन। द फॉलोइंग तो लिखा हुआ, द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। नीचे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो फेवर करते हैं कि हाँ ये वजह है, इन इन वजह से ये होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था। पहला लिखा है रिएक्शन अगेंस्ट स्पिरिचुअलिज्म। रिएक्शन अगेंस्ट स्पिरिचुअलिज्म पढ़ते हैं, हेडिंग का मतलब क्या है। लिखा हुआ है रिलीजियस सेरेमनीज बाय देन, रिलीजियस सेरेमनीज बाय देन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव बियॉन्ड द मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सिंपलाइज्ड द सफरिंग रियलाइज द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन मैन। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज दैट गिव राइज टू फेथ्स दैट वर सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव। आपको तो नहीं है मैंने पढ़ाया, बट ये मतलब ये जो रीजन ना बहुत शॉर्ट में, ये बहुत शॉर्ट में, ये लास्ट टाइम मैंने दिवान से को पढ़ाया था, है ना। अब ये मेरे को पता नहीं किस चैप्टर में पढ़ाया था, और आई थिंक उस चैप्टर के अंदर अशोका दी ग्रेट का भी वो था, थोड़ा मेंशन था, तो उसमें मतलब बहुत डिटेल में बताया गया था। यही जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर एक पेज लिखा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने 4-5 लाइन में खत्म कर दिया। 3 लाइन शेयरिंग, 2 लाइन शेयरिंग, 5 लाइन, 5 लाइन्स है बेसिकली, मैंने 5 लाइन्स में खत्म कर, बहुत तो डिटेल नहीं होता। पहले टाइम में तो क्या होता, अब लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड कोई पता है प्रेस्ट की पोजिशन कितनी हाई हो चुकी थी। प्रेस्ट मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की पोजिशन कितनी हाई हो चुकी थी, मतलब सुप्रीम उनको माना जाने लगा था, सुप्रीम उनको माना जाने लगा था। ठीक है, तो सुप्रीम उनको माने जाने लगा, तो उन्होंने पूजा करने का तरीका सारा ही चेंज कर डाले। मतलब जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो तो अलग चीज हो गई, उन्होंने अपने अलग से तरीके बनाए, और अलग से तरीके क्यों बनाए थे ये भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, ताकि लोग उनकी माने। अगर पूजा वगैरह करने से आसान हो जाता तो लोग खुद ही कर लेते, पर उन्होंने इस तरीके के सिस्टम बनाए, उन्होंने इस तरह की प्रथाएं बनाई, इस तरह के रिचुअल्स बना दिए आर्टिफिशियल, मतलब अलग से अपनी तरफ से, कि कोई भी किसी भी तरह की पूजा करते उनको पंडितों की जरूरत पड़े, ताकि उनकी डिमांड हो, उन्होंने ऐसा बना दिया। अब वो इतने सारे काम हो गए, इतने सारे मतलब एक पूजा को करने के लिए 50 तरह की मतलब रस्म होती हैं, मतलब ये इतने काम होते हैं, उन्होंने काम बढ़ा दिए फालतू के। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, और दूसरा पैसे, ये पैसे भी चार्ज करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए थे, कुछ लोग मैनेज ही नहीं कर पाए थे इन चीज़ों को, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब भगवान ने ब्रिज तो रखा था, भगवान ने ब्रिज तो रखा था। कुछ लोग अपना घर बार बेच कर अपने मतलब जो एसेंशियल चीज़ होती उनको सेक्रीफाइस करके भी पूजा के लिए पे कर रहे थे, तो ये चीज़ काफ़ी गलत हो रही थी, ये चीज़ काफ़ी गलत हो रही थी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो गलत तरीके से किया जाए, आप उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो, सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये चीज़ उस टाइम के लोगों ने देखी, बेसिकली किन्होंने देखी, कुछ स्कॉलर्स लोग थे। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जैनिज्म में देखा जाए तो जैनिज्म तो पहले जो थे महावीर स्वामी आई थिंक वो, और बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध थे वो, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, उन्होंने देखा कि इंसान कितना परेशान रहता है इन चीज़ों की वजह से, जो कि मतलब नीडेड है ही नहीं, जो नीडेड है ही नहीं, जो जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो उन्होंने एक लोगों को बताया कि भगवान का पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको 56 भोग लगाओ, आपके जेब में पैसे नहीं है आप उनको फिर भी 56 भोग लगाओ, आपके घर में पैसे नहीं है आप अपने घर बेच कर उनके लिए 56 भोग लगाओ। भगवान नहीं कहते कि मेरे ऊपर 56 भोग, कि आपके घर में खाने के लिए एक और खाना नहीं, आपके घर में खाने के लिए मतलब एक तरह की सब्जी नहीं, मुझे 56 तरीके का खाना खिला दे, भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। तो उन्होंने लोगों को थोड़ा समझाया, थोड़ा सा समझाया, थोड़ा उनके थॉट्स को थोड़ा ओपन किया, उनको रियलिटी तय कि रियल में पूजा क्या होती है। ठीक है, और लोगों ने साउंड किया और लोगों को पता चला कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉजिकल कह रहे हैं, काफ़ी इनकी बातें लॉजिकल हैं। ठीक है,
और ये इनएक्सपेंसिव भी था, लोग मैनेज भी कर पाते थे इन चीज़ों को। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों ने फिर क्या किया, गौतम बुद्ध की बात मानना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी उस टाइम पे आए होंगे पहले, देखो बुद्धिज्म में तो सबसे पहले गौतम बुद्ध आए थे, जैनिज्म में महावीर स्वामी थे, कौन थे इनको ध्यान नहीं, तो ना ये रीजन था। ठीक है, लोगों को काफ़ी सारी सफरिंग होती थी, काफ़ी लोग परेशान होते थे, मतलब ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव था, बियॉन्ड द मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ आई। दूसरा करप्शन इन रिलीजन, एक्चुअली मैंने सारे ही कंबाइन बना बता दिए एक ही में कंबाइन बना दिया, थर्ड वाले पॉइंट को छोड़कर। करप्शन हुई, मैंने करप्शन मतलब फालतू की चीज़ें बढ़ा दी, फालतू की रस्म बढ़ा दी कि नहीं ये भी चाहिए, नहीं वो भी चाहिए, आपको इतने का दान देना पड़ेगा, नहीं एक रेट बढ़ा दी, नहीं इतना फिक्स है, इस पूजा के लिए इतना दान, इस पूजा के लिए उतना दान। अरे लोग दान अपनी इच्छा से देते हैं, उन्होंने फिक्स कर डाला, तो ये करप्शन ही तो हुआ बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें तो लिखा हुआ करप्शन क्रैप्ट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिस। क्रैप्ट मतलब क्या, चला गया, रेंगना। क्रैप्ट मतलब होता है रेंगना, तो करप्शन बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस में चला गया। वो कहना कि भगवान वाले प्रैक्टिस में भी करप्शन चला गया इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी। किसके लिए? सिंपल, पैसा निकालने के लिए। पैसा क्या करने लगे, एनकरेज करने लगे ऑर्डिनरी पीपल को टू परफॉर्म याजना एंड कंडक्ट हाउस होल्ड राइट से बियॉन्ड देयर मींस। पंडित कहने लगे ताकि उनकी तरफ से पैसा है कि अब ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, अपने घर के लिए ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। अरे बेफालतू में। ठीक है, क्षत्रिय रूलर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ स्टेटस। लेकिन क्षत्रिय रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो उसके अगेंस्ट बताए, वो क्या हुआ, उन्होंने इसके अगेंस्ट वॉइस अपनी रेज की। क्षत्रिय रूलर्स प्रोटेस्टेड, है ना, ये कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है ना, एंट्री को सकते हैं। द कॉमन कैन कुड द कॉमन मैन कुड नॉट रिकनसाइल टू दिस एटीट्यूड ऑफ द क्राइस्ट। कॉमन मैन जो होता है वो क्या करता है, वो उनको ये रिकनसाइल नहीं कर सकता इस एटीट्यूड को, मतलब वो बेसिकली इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। द बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर फाउंडेड बाय टू क्षत्रिय प्रिंसेस। तो दोनों ही जो थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, कौन थे, क्षत्रिय थे, कौन थे, क्षत्रिय थे, बाय टू गौतम क्षत्रिय प्रिंसेस। नाम अभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट एक गौतम बुद्ध तो है ही है और एक महावीर स्वामी आई थिंक है। ठीक है, रिजिड कास्ट सिस्टम, हाँ ये मैं आपको पहले समझा दूँ, ये तो खैर आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस टाइम पर कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो चुका था लेटर वैदिक पीरियड तक। ध्यान रखो, अगर आपके पुराने चैप्टर कंप्लीट नहीं, तो ये वाला चैप्टर थोड़ा हो नहीं पाएगा, चीज़ें वो इसका बेस है। तो पहले के टाइम पर ब्राह्मण्स ने क्या सिस्टम बना दिया था कि इस कास्ट के लोग मंदिर में नहीं आ सकते, इस कास्ट के लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते, काफ़ी हो गया था। तो कुछ स्कॉलर्स आए, 2 सेकंड को ये हैंग हो रहा है, हाँ कुछ स्कॉलर्स आए, इन्हीं की तरह मैं बात कर लूँ अगर मैं, तो उन्होंने थोड़ा ओपन किया लोगों को कि मतलब मीनिंग क्लियर किया कि भगवान का मीनिंग क्या होता है, कि पूजा का मतलब क्या होता है, कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भगवान के लिए सब एक है, भगवान के लिए सब एक है। कास्ट ऊपर भगवान ने नहीं बनाया, हम इंसान ने नहीं बनाई है, ये डिफरेंस हम इंसान आपस में करते हैं, तो भगवान नहीं करते हैं। तो बताया, तो ये चीज़ तो लोगों ने सोचा कि हमें तो भगवान की पूजा करनी ही करनी है, लेकिन ये जो ब्राह्मण से वो उन्हें अलाउ नहीं कर सके, तो उन्होंने इस जैनिज्म को बुद्धिज्म को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर अलाउड था, यहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं था। तो लिखा हुआ था डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र हैड बिकम रिजिड। इट डिड नॉट अलाउ एनी सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या, अदर कास्ट के जो लोग होते थे उनको मोबाइल नहीं मिलते थे। मोबाइल मतलब होता है मूव करना, मोबाइल मतलब क्या, मूव करना, तो ये उनको मूव ही नहीं करने देते मंदिर वगैरह में। ठीक है, अ पर्सन ऑफ वन कास्ट कुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कास्ट। और ये भी सिस्टम था कि एक कास्ट का बंदा दूसरी कास्ट में नहीं जा सकता, दूसरे कास्ट का पार्ट नहीं बन सकता। देवर रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड फूड, फूड के बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन, ड्रिंक्स के बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन, मैरिज के बारे में आपको पता ही होगा। इंटरचेंज ऑफ कास्ट वॉज इम्पॉसिबल, आप अपनी कास्ट इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट लिखने के लिए बोले तो। डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया हमारी पुरानी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत, हर किसी को नहीं भी आती। तो पढ़ो क्या लिखा, संस्कृत वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेड लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज इन संस्कृत, द प्राइस्टली क्लास गेव डिस्कोर्सेस एंड चेंट द मंत्रास इन दिस लैंग्वेज, विच द कॉमन पीपल फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर मेनी पीपल बिगिन टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव रिलीजन दैट दे कुड अंडरस्टैंड बेटर। संस्कृत लिखा हुआ है, संस्कृत को कहा जाता है लैंग्वेज माना जाता है, और मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर सारे के सारे किसमें लिखे हुए हैं, संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। और जो प्राइस्ट होते थे, प्राइस्ट वो सारे अपने जो प्रवचन देते थे, डिस्कोर्स मतलब प्रवचन देते थे, या फिर मंत्र वगैरह पढ़ते थे, चेंटिंग मतलब होता है मंत्र का जाप करना, पढ़ते थे, वो सारा
संस्कृत नहीं पढ़े थे, तो कॉमन पीपल समझ ही नहीं पाते थे। आप भी, आपके घर में अगर होती होगी कथा वगैरह, तो अभी संस्कृत में पढ़ते होंगे पंडित, तो आपको भी समझ में नहीं आती होगी, ठीक है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव लोग उस टाइम पे ढूंढने लगे, कि बहुत सारे थे कि भगवान की पूजा तो एक ही करनी है, तो भगवान तो एक ही है, तो सारे थे एक, हम इस हमें एक ऐसा डिजाइन मिले जिसको हम समझ सकें, जो हमें समझ में आए, तो वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे, एक ऑल्टरनेटिव को ढूंढने लगे। 2 सेकंड रुक जाए। पॉलिटिकल सिचुएशन और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, 2 पॉइंट और इस पॉइंट के। इन द 6th सेंचुरी BC, मगध वॉज रूल्ड बाय बिंबिसारा एंड लेटर बाय अजातशत्रु। बोथ दीज रूलर्स वर लिबरल एंड टॉलरेंट, दे टू वर फ्री फ्रॉम ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस एंड कंडेम्ड सस्टेन सोशल इविल्स इन द किंगडम। वेन द अपॉर्चुनिटी केम, दे पैट्रनाइज्ड बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बिंबिसारा, अगर नाम सुना हो तो आपने कभी, इन द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी की बात कर रहा है ये, जब मगध के राजा कौन होते थे, बिंबिसार होते थे। जब मगध के सारे राजा कौन होते थे, बिंबिसार होते थे, जिसके बाद जो वहाँ पर रूल किया वो उनके बेटे अजातशत्रु ने किया। तो वो कह रहे बोथ दीज रूलर्स वर लिबरल, ये दोनों ही रूलर्स कैसे थे, लिबरल थे। लिबरल मतलब था आजाद। तो फिर मत कहना सर राजा आजाद कैसे थे, राजा आजाद होने का मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो काफी लिबरल थी, उनकी जो थिंकिंग थी वो काफी लिबरल थी। ये नहीं था कि वो अपनी प्रजा पर, अपने जो सब्जेक्ट्स होते थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रखे, नहीं, ये काफ़ी लिबरल थे, इनके थॉट्स काफ़ी लिबरल थे और काफ़ी टॉलरेंट थे। डेट वर फ्री फ्रॉम ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस, ये ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस से भी काफ़ी फ्री थे। एंड कंडेम्ड सर्टेन सोशल एवल्स इन दिस किंगडम, और उन्होंने कुछ सोशल एवल्स को जो उन्हें लगता था कि बुरी है, उन्होंने उस पर क्या क्या सजाएं भी लगाई, सजाएं भी लगाई, कंडेम्ड उन्हें सजा देना। वेन द अपॉर्चुनिटी केम, और जब अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, दे पैट्रनाइज्ड बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और दोनों ने ये क्या किया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फॉलो कर लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर, यानी ये क्या दिख रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स जिस वजह से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आया, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड इन द गैंगेटिक वैली। द यूज ऑफ आयरन हैड मेड द एनिमल टर्न अगेन पॉपुलर, सो फार्मर्स नीडेड अ रिलीजन दैट वुड गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रीज नॉन वायलेंस एंड वर अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइसेस। ये तो आपको भी पता होगा, हिंदी में बलि बोलते हैं, बलि चढ़ाना, ठीक है। तो पुराने टाइम पर क्या होता था हमारे रिलीजन में, आज के टाइम पर भी कहीं ना कहीं होता है। आपको एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो आपका जो मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम आपका, वहाँ पर तो होता ही होता है ईद पर, तो किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइस, ये बेसिकली अगेंस्ट था। ये अगेंस्ट था किस चीज़ के अगेंस्ट था, उन फार्मर्स का जो गैंगटिक वैली में रहते थे, उनके लिए काव वगैरह को मारना, गॉट वगैरह को मारना, सीप वगैरह को मारना, वाले बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा था कि उनके तो ब्रेड एंड बटर नहीं से आते थे। गैंगटिक वैली के पास जो लोग रहते थे उनका मेन जो काम चलता था, जिनका जो घर वगैरह चलता था, उनकी जो अर्निंग आती थी वो कहाँ से आती, फार्मिंग से आते थे। फार्मिंग करने के लिए उनको प्लगिंग वगैरह करनी पड़ी, तो प्लगिंग के लिए एनिमल्स का यूज करते थे। मिल्क वगैरह कोई निकाल रहा है तो मिल्क वगैरह के लिए काव का यूज करेगा, सीप का यूज करेगा, वो गॉट का यूज करेगा। ऊन वगैरह के चीज बनाए तो सीप को यूज करेंगे। अब आप इन्हीं को मार दोगे तो ये क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो काफी अजीब था ये। द यूज ऑफ आयरन हैड मेड द एनिमल टर्न प्लगिंग पॉपुलर, ठीक है। सच ए फार्मर्स नीड अ रिलीजन दैट वुड गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल, तो ऐसे जो फार्मर थे जिनका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसका कह रहे हैं सच फार्मर्स नीडेड अ रिलीजन, ऐसे फार्मर्स को नीड थी, एक ऐसे रिलीजन की नीड थी जो क्या करे, उनके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे, जो उनके एनिमल को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इस वजह से उन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म में साफ साफ दिखा हुआ है कि आप नॉन वायलेंस नहीं करोगे, साफ साफ दिखा हुआ है आप नॉन वायलेंस नहीं करोगे, किसी भी लिविंग बींग को आप परेशान नहीं करोगे। तो लिविंग बींग के अंदर आपके एनिमल्स भी आते हैं, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी भी एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, ठीक है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूँ फिर हम इसको ओवर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पढ़ना क्या था, वो फैक्टर जिन्होंने फेवर किया, किस चीज़ को फेवर किया, राइज एंड ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे जिन्होंने राइज यानी जिसकी वजह से स्टार्टिंग हुई थी,
है ना, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके से राइज तो हो चुका था, उसकी वजह से ग्रोथ हुई थी केवल, ठीक है। तो जैसे राइट का एक, अगर मैं राइज का एग्जाम्पल दूँ तो राइट अगेंस्ट रिचुअलिज्म, जैक्सन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, कि हमारे रिचुअल ऐसे हो चुके थे तो इनकी वजह से तो राइज हुआ, इनकी वजह से तो लोगों को नीड थी कि एक नया रिचुअल आए, नया नया रिलीजन आए जिसको फॉलो करता है, ये तो राइज का रीजन था। फिर है करप्शन, करप्शन भी किसका रीजन था, राइट का, वो राइज का। रिजिड कास्ट सिस्टम क्या था, ये बेसिकली एक तरह से ग्रोथ का सिस्टम था। डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये भी ग्रोथ का रीजन था। पॉलिटिकल सिचुएशन, ये भी पक्का ग्रोथ का था, ये ग्रोथ का था, ये भी क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम तक ये आ चुके थे। ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके, ये आपको याद करने होंगे। हेडिंग्स तो आपको याद करनी ही करनी है। अंदर के 4-4 पांच यहाँ पर 4-4 पांच लिखी है, आप 2-2 लाइन भी याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, दूसरा करप्शन, दूसरा कास्ट सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज, नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, थर्ड नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इनको याद कैसे करोगे, तो एक बार याद करने का ज़रा सोच लेते हैं ज़रा। इसको याद करने का सोच लेते हैं। APLCC और इसको रिएक्शन निकाल लेते हैं, ठीक। इससे देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। हमें सीखने फैक्टर्स है ना, फैक्टर तो फैक्टर से रिलेटेड आपका क्या हम बना सकते हैं, इसका भी कोड बना सकते हैं। आप उसको मतलब याद कर पाओ तो कर लेना, सिंपल सा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हेडिंग को। और आपको कुछ बनाना चाहता तो उससे बना भी लेना। रैप LCC है ना, आर मतलब आपका रिचुअल्स, रिलीजन अगेंस्ट रिचुअल्स, कल्चरल इकोनॉमी, पी मतलब आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। एल मतलब आपका लैंग्वेज, सी मतलब आपका कास्ट, और सी मतलब आपका क्या है, एक आपका कास्ट था, एक आपका क्या था, एक आप देख लेना याद कर लेना, कास्ट हो गया आपका, अरे करप्शन ही रिलीजन, एक आपका था करप्शन, ठीक है। तो याद कर लेना, आपके यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रुको 2 मिनट रुको, होमवर्क और ले लो अपना। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका, सेकंड का 1, तीनों ही आपको करने हैं। सेकेंड में आप ट्राई करना ए वाला और बी वाला, ए और बी, ठीक है। और तो आपका कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके 2-3-4-5 5 क्वेश्चन, ये करना ज़रा, ये करना ज़रा।